एक टांग आपकी यूरोप में होती है, एक लंदन में होती है, एक थिएटर में होती है, एक शो में होती है। वाह भाई, ये चार टंगा वाले माशाल्लाह, वेले बैठे हो, समोसे ला लो। ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे स्ट्रगल दौर के दोस्त हैं सर। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मैंने ये बच्चे को इतना सभी देखा हुआ। हाँ, बाबू साहब के साथ जब हम काम करते थे, छोटा सा उनके साथ आया करता था, बड़ा प्यारा सा बच्चा। मुझे उस वक्त भी पता था कि जम दिया सूलां दे मुंह तिखे होंगे। अल्लाह, हाँ, इसकी बड़ी बड़ी अच्छी थ्रो और बड़ी अच्छी टाइमिंग जो थी, ऐसे ही हमारे साथ खेलते खेलते अंदाजा हो जाता था। और आज शरारती था बचपन में। हाँ, अल्लाह दसो सर, एक मिनट चाय करो तो, एक मिनट चाय करो। सर मैं तो मशहूर वैसे ही हूँ निर्गोली चौकस, लेकिन असल ये चौकस है। अल्लाह म्यूजिक में भी, यानी आबद खान साहब, आगा माजद साहब, बब्बू बराल साहब, शौकी खान साहब, ये ऐसे अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे हैं पाकिस्तान को, जिनको कहा जाता है पांच पटीए फनकार। गा लेना है, साज बजा लेना है, हंसा देना है, रुला देना है, कैरेक्टर एक्टर, और यही सारी सिमें जो हैं, पांच सिमें इसमें भी मौजूद हैं। जैसे आप गाते नहीं है मगर ये सारी सिमें आप में भी है ना? ये यस। जी ठाकुर साहब ऐसे फनकार ने जिन्होंने उन फनकारा को भी दाद वसूल, कोई शक नहीं, ये उनकी मेहरबानी है सर, उनकी मोहब्बत थी। वो भी बड़े लोग थे, आप भी बड़े आदमी हैं। अच्छा, आज एक ऐसा काम करते हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं किया। अच्छा, और मुझे पता है कि आप मुझे इनकार नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि आप वो ना कोई काम छड़े ही नहीं, हर काम सारे काम कर लेते। देख लेना, ये ना कह देना भी ये सेट असी टांड लगे हैं, दोबारा बना दे। आज आपके ना गाने से शो शुरू करते हैं। ईमान नाल मैं फिर किसे ले आ ले जा, अब आपको सुनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, गला खराब है थोड़ा जैसा, लेकिन फिर भी है, ये हर फनकार कहता है सर, वो वाला हर आर्टिस्ट के अंदर। वो एक सिंगर को ना फांसी होने लगी ना, तो उन्होंने कहा भाई फांसी दे, कहना थोड़ा जा गला खराब है यार, लता नू रस्सी पा ले। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब आपने जिक्र किया बाबू बराल साहब का, मस्ताना साहब का, आबिद साहब का जिक्र हुआ, अमानुल्लाह साहब का नहीं हुआ इस वक्त, मगर लाजी बात है उनका जिक्र तो रहता ही है हर वक्त। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी यादें जो कि आप, मुझे लगता है कि उस फेज़ में चले भी गए हैं उनका जिक्र करते हुए, जो इससे पहले शेयर ना हुई होता ना। बब्बू बराल साहब, उनकी क्या आदत थी, रोटी कल्ले नहीं सिखा सकते हो कि खाना मंगाया तो पहले कह दिए पाँच छः बंदे अंदर ले आई, यानी खाली अपने लिए नहीं मंगाया, और जैसे ही खाना आया तो बंदे ढूंढ रहे हैं चलो भी खाना। आबद खान साहब अक्सर खाना घर से भी लेके आते थे, इतना बड़ा टिफिन होता था, तीन डब्बे। एक दफा ना कीमा लेके आए वो, उसके ऊपर धनिया, ऐसा मजेदार, सुभान अल्लाह। अब जैसे वो खुला ना तो गोगा मोटा, वो घर की चपातियां होती थी, और वो चपातियां भी ऐसी होती थी कि एक ही बुरकी गोगे दी थी, अद्धी गोगे ने ना जी वो आधी रोटी तोड़ के ना जब कीमे के ऊपर ऐसे डाल के ऐसे करने लगा ना, आबद खान साहब ने हाथ फाड़ लिया, उन्हें कहा कीमे का कलेजा कटन लगा। क्या लिबास बड़ा खूबसूरत पहना हुआ आपने, ये वाला सर। हाँ, माशाल्लाह। ओहो, नहीं हमेशा अच्छा पहनते हैं मगर आज तो बिल्कुल ही दूल्हे मियां लग रहे हैं, जापान दे होटल दे बैरे लग रहे। नहीं, आपको कोई फोन वोन तो नहीं आया? नहीं, मुझे क्यों फोन आ रहा है? नहीं सर, क्यों? लिबास के बारे में? हाँ हाँ, क्यों क्यों आएगा? किस थोड़ी देर के लिए कैमरे बंद करें तो फिर मैं आपको बता। कैमरे तो बंद नहीं हो सकते, मगर ये है कि आप बता दीजिएगा ना। ये क्या सिर्फ पिया का है बाकी? नहीं तो आप उठा लाए हैं, मांग लाए हैं। नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं की मैंने। बात ये है, सही कैमरे चल रहा है, बंद वक्त बंद करेंगे तो फिर हम चला नहीं सकेंगे ना, देर के लिए बंद करेंगे, क्योंकि वो बात ऐसी, वो फिर उन्हें रिकॉर्डिंग पे जब आया ना तो उसने ये पहना हुआ था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये कलर मेरा फेवरेट है और बड़ा अच्छा सूट है, अगुमन कह रहा है पायन तुसी बड़े मेरे वास्ते मोहतरम हो, मैं तुहानू ते दे ते दियां लेकिन तुहानू खुला होएगा। ये उसने कह के ना जी, तो जल्दी से उतार के उस पे लगाया है हैंगर पे, मैं वो पहन के आ गया हूं, मैं कहा उन्हें पता लगे मेरे पूरा है।
अब आप उसे जाके ना कैसर को ये भी सुनवाएं कि वो अमूमन दुकानों पे लिखा होता है ना जिसे फिट उसे गिफ्ट। नहीं अब तो चल गया, अब तो मेरा है। अब वो पहन के आएगा तो उसको कहेंगे ठाकुर साहब ने, ठाकुर साहब ने पाया, कहेंगे यार चलाया ना देखो कैसे पिया मेरे उम्र में कहेगा यार वाह ये है ठाकुर साहब। अच्छा इफ्तिखार भाई मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में? हाँ जी कितनी दफा ऐसे ही मूड। अगला सवाल कितनी दफा? चले जी ये नजम का सवाल भी डालने, कितनी दफा हुई सर? असल में ना जी मुझ पे बड़ी गुर्बत रही सर। ये फंबल क्यों होना शुरू हो गया आप? मैं इस मोहब्बत के नाम पे काश मुझे भी होती और मुझे एहसास होता कि ये मोहब्बत होती क्या है। गुर्बत का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत ना होने से बड़ा सर बड़ा गहरा ताल्लुक है सर। पता क्या सर, हम ना जी 6 कजन है। नहीं जो जो अगर किसी कोई गरीब हो किसी वजह से सर, तो क्या उसको मोहब्बत नहीं हो सकती? उसको लोग अच्छे नहीं लगते? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर देती है। नहीं वो अलग बात है। हाँ जी देखे ना मोहब्बत तो ये होती है ना कि आपको रोटी में भी महबूब नजर आ रहा होता है। वो तो शायरों का काम है। मेरे साथ बचपन में ये अलमिया बहुत बड़ा था। मेरे ना जी 6 कजन 2 भाई हम में ना जी मुकाबला रहता था क्योंकि क्लास फेलो थे, हम में मुकाबला रहता था नंबर ज्यादा लेने का। ठीक है मैट्रिक तक जो है ना जी हमारा मुकाबला जारी रहा मजबूत और माशाल्लाह सारे ए ग्रेड में आते थे। मैट्रिक में जब मैंने एग्जाम दिया तो सर बायोलॉजी में मुझे शुभ हो गया, मैं क्या मारे गए इसमें फेल होऊंगा, ये इज्तमाही बेइज्जती मेरी किया कर। मैं सर ना जी एग्जाम दे के कराची चला गया। अच्छा वहाँ मैंने 3 महीने बाद एग्जाम होता था सिंध का और इसका। जब वहाँ मेरा इंग्लिश भी सेकंड लास्ट पेपर हो रहा था तो पंजाब का रिजल्ट आ गया सर, हाई फर्स्ट डिवीजन माशाल्लाह। बायोलॉजी के अंदर 64 नंबर सर माशाल्लाह 100 में से माशाल्लाह। फिर मैंने सिंध का भी एग्जाम दे लिया था, उसमें भी 2 पेपर रह गए थे, फिर उसमें भी सर मैंने बड़ी अच्छी नंबर में। फिर मैंने वहां मोहब्बत कहाँ गई? मोहब्बत वहाँ कहाँ गई यही तो मैं पूछ रहा था। हाँ। तीन दफा मंगनी हुई। अच्छा अच्छा 3 दफा मंगनी हुई। पहली मंगनी में मैं इन्होंने जी 2 दिन पहले कराची भाग गया। उन्होंने कहा तुसी मुंडा वहाओ पेंसिल वहाए। सर जी मेरी माँ ने कहा मुंडा आए रिश्ते रिश्ते दिन, उन्होंने कहा मुंडा वेख लिया है हूँ किसी डॉक्टर ने वखाओ। तो मंगनी आपकी पसंद से नहीं हुई थी? नहीं सर। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे करना है ना उसमें अगर शादी हायल हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। अच्छा तो आप भाग गए पहली मंगनी? जब मैं कराची भाग गया सर। अच्छा फिर दूसरी जब मंगनी मेरी हुई अभी बातचीत हुई मुझे लग रहा था ये फाइनल होने जा रही है। नहीं तो एक मरतबा तो आप हाँ करते होंगे ना कि हाँ भी बाई नू रख लो? नहीं मैंने तो सर हर दफा हाँ कर दे सर उनको ना हो जाने। नहीं नहीं मेरे कन्ना च गल्ला होंदी है सन। अच्छा मेरे तो चोरी कर दे सन। अच्छा आपको नहीं बताते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आपको फिर पता लग गया कि मंगनी होने वाली? हाँ जी मैं फिर बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है फिर मैं इस्लामाबाद भाग गया। अच्छा फिर मैं वहाँ इस्लामाबाद में रहा कुछ अरसा जनाला। आप तो ऐसे भागते थे जैसे किसी लड़की की हमारे मुआशरे में जबरदस्ती हो रही हो तो बाजू का वो कहती कि मुझे नहीं। तीसरी मरतबा ये हुआ कि मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ जब मैंने ड्रामा किया ना सर हम चले गए USA, वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं क्या मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी करनी, मैंने वहाँ स्लिप मारा। नहीं वो तीसरी मंगनी कहाँ गई? तीसरी मंगनी जब होने लगी हाँ तो अमेरिका जा रहे थे। अच्छा 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 मैं वापस ही नहीं आया। अच्छा 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 हाँ वो मुझे पक्का पता था। शादी कैसे करवाई गई आप? हाँ ये सवाल आपका।